दिस इज पेपर 3-1 नवंबर 2022, पेपर 3 वेरिएंट 3-1 अक्टूबर नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज स्केच द ग्राफ ऑफ 2x+1 मॉडल्स। ये मॉडल्स का ग्राफ जो होता है ये हमने कैसे ड्रा करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केच करें पहले। सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करेंगे y इज इक्वल टू 2x, सिंपल y इज इक्वल टू 2x+1 का। यहाँ पे देखें ये y इंटरसेप्ट जो है वो 1 है, 1 में से ग्राफ ने पास करना है स्ट्रेट लाइन ने, और x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे था उसके लिए y इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 0, तो 2x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये दिस इज -1/2, ये 2x+1 का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी। बट अब हमने फाइंड करना है 2x+y इज इक्वल टू 2x+1 मॉडुलस का ग्राफ। तो अब द पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, ये जो बिलो द एक्स एक्सिस जो बन रहा है ग्राफ इसी को हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये जब इसको इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी इस पार्ट की एक्स एक्सिस में तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी ये एक्स एक्सिस में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ग्राफ आ जाए ये हो जाएगा। तो अब हम इसको अरेज कर देंगे, इसको फिर बाद में हम इसको अरेज कर देंगे। दोबारा बनाता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x+1 मॉडुलस, दिस इज -1/2। तो नेक्स्ट इज सॉल्व द इनक्वालिटी 3x+5 इज लेस देन 2x+1 मॉडुलस। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जिनको क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं। तो 3x+5 इज लेस देन लेस देन 2x+1 मॉडुलस। तो इसका स्केयर लें दोनों तरफ, ये आ जाएगा 3x+5 स्केयर इज लेस देन 2x+1 मॉडुलस का स्केयर। ये मॉडुलस का स्केयर से कोई ताल्लुक नहीं होता, कुछ लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं कि कैंसिल हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। अब स्केयर को एक्सपेंड करेंगे हम तो 9x² + 25 + 30x लेस देन 4x² + 1 + 4x। अब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमारे पास ये आएगा 5x² + 26x + 24 < 0। तो यहाँ से हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है एक हमारे पास -6/5 आएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 आएगी। ये क्रिटिकल वैल्यूज है। अब हमें जस्टिफाई करना है कि हमारी वैल्यूज कौन सी वैलिड है। ये देखें इक्वेशन नहीं है, ये यहाँ पे ये एक इनक्वालिटी है, ये देखें ये एक इनक्वालिटी है। तो ये
इसका स्केच बना के हमने इसका शो करना, जस्टिफाई करना कि कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन सी नहीं वैलिड। तो ये देखिए मैं ऊपर ऊपर वाली, चलो इसे यहाँ पे बनाता हूँ। 2x+1 का ग्राफ जो ऊपर आपने मॉडल का बना हुआ है, दोबारा से बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया हमारा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x+1 मॉडुलस। ये -1/2 है। तो ये देखें यहाँ पे 3x+5 जो ये एक और फंक्शन है, 2x+1 मॉडुलस ये एक और फंक्शन है। फंक्शन वाई की वैल्यू को कहते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट -6/5 आ गया। तो 3x+5 का जो स्केच बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये 3x+5 की मैं इक्वेशन वो लाइन बनाने लगा हूँ। ये वाई इंटरसेप्ट इसका जो है 5 है, ये वाई इंटरसेप्ट है 5 और ग्रेडियंट पॉजिटिव। तो ये भी ऐसे ही इसका ग्राफ बनेगा। तो ये रेड लाइन जो है ये वाई 3x+5 की है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है ये। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और ये हमने डिसाइड करना है कि ये -6/5 होगा या -4 होगा। तो ये -6/5 होगा क्योंकि तो -4 जो है वो स्मॉलर देन -6/5 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से यहाँ पे आपने देखना है कि 3x+5 इज लेस देन 2x+5। यहाँ देखें यहाँ पे इधर को ये वैल्यू जो है ये -6/5 है। यहाँ पे इस वैल्यू से लेफ्ट पे लेफ्ट पर देख रहे हैं आप, इधर को मूव करेंगे तो यहाँ पे 3x+5 की वैल्यू स्मॉलर है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ग्राफ की 2x+ मॉडुलस वाले ग्राफ की वो ग्रेटर है। मैं दोबारा बनाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ये मैं वैल्यू शो कर रहा हूँ। ये वैल्यू वाई इसके अलोंग ग्रेटर है और 3x+5 के लिए वाई जो है वो स्मॉलर है। ये देख रहे हैं ये ग्रेटर वैल्यू रहेंगी, ये स्मॉलर वैल्यू रहेंगी। तो सो हमारे पास अब आंसर क्या लिखें, ये वैल्यू वैलिड है, ये -6/5 से स्मॉलर जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो आंसर इज फाइनल आंसर इज एक्स इज लेस देन -6/5। तो ये वैल्यू जो है -4, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये -6/5 से लेफ्ट वर्ड ही आती है, ये भी उसी में जो है मर्ज हो जाएगी। तो -6/5 से लेस स्मॉलर वैल्यूज आपका आंसर आएगा, जिसके लिए 3x+5 इज स्मॉलर देन 2x+1 होगा। क्वेश्चन नंबर टू। ऑन अ स्केच ऑफ ऑर्गन डायग्राम्स शेड द रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट सेटिस्फाइंग द इनक्वालिटीज। ये हमारे पास इनक्वालिटीज दी हुई है। जेड मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3। रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। आर्गुमेंट ऑफ जेड लाइज बिटवीन 5/4 एंड पाई।
तो ये तीनों इनक्वालिटीज को हमने से स्केच बनेगा, तो फिर उसको जो उनका पॉइंट इंटरसेक्टिंग एरिया हो, सॉरी ये होगा उनका जो कॉमन एरिया होगा जिनको ये तीनों सेटिस्फाई करेंगी, वो हमने शेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेड इससे क्या बनेगा। जेड पहली इनक्वालिटी है, जेड इज लेस देन और इक्वल टू जेड मॉडुलस। तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा, ये देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, जेड माइनस 0 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये पॉइंट जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उसको सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, सेंटर होगा 0 0, और ये जो होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये रेडियस होता है सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 3। नेक्स्ट इनक्वालिटी जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो जेड हम सपोज कर लेते हैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा बाय, इसमें रियल पार्ट जो है आर ई जेड वो है एक्स, एक्स इज द रियल पार्ट, तो सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी। पहली आपके पास इनक्वालिटी ये है, पहली इनक्वालिटी से सर्कल बनेगा, दूसरी इनक्वालिटी से ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन बनेगी, और तीसरी इनक्वालिटी से देखते हैं क्या बनता है, उसको भी लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 0 प्लस 0 आयोटा पाई बाय 4 टू पाई बाय पाई। तो ये देखिए ये एक हाफ लाइन है जिसका स्टार्टिंग हाफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये पॉइंट क्या है, ये एक ओरिजिन है, और एंगल बनेगा हमारे पास पाई बाय 4 और पाई के दरमियान। तो इसको हम इसका ड्रा करते हैं इसका तीनों इनक्वालिटीज को। तो ये देखें ये आप एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल रियल एक्सिस रियल जेड कह लें आप, यहाँ पे इमेजिनरी जेड की वैल्यूज होंगी। तो ये एक पहले तो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 3 है, तो यहाँ से यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारा सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस जो है वो 3 है, तो यहाँ पे मार्क करें इनको, तो इनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक सर्कल जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा सर्कल है। अब सर्कल में हमने देखना है ये एक जो है आर्गन डायग्राम बन गई है एक लोकस, तो ये सर्कल है, जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है जेड लाइज इन दिस सर्कल। तो दूसरा हमारे पास होगा, दूसरा लोकस जो है वो एक लाइन है, ये देख रहे हैं आप वर्टिकल लाइन बनेगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये वो लाइन बना देते हैं। तो ये दूसरा लोकस हमारे पास, एक लोकस हमारे पास ये है, दूसरा लोकस हमारे पास ये है, तो तीसरा लोकस जो है वो एक हाफ लाइन बनेगी, ये देख रहे हैं वो 0 z -0 + 0 आयोटा लाइज बिटवीन π/4 एंड पाई। तो ओरिजिन से लाइन स्टार्ट होगी, तो वो एक्स एक्सिस ही होगी, तो
यहाँ पे एंगल है पाई बाय फोर और पाई के दरमियान, तो पाई बाय फोर एंगल हमारा यहाँ बनेगा। सपोज दिस इज पाई बाय फोर, पाई बाय फोर और पाई के दरमियान ये एरिया आता है, इन दोनों दरमियान ग्रेटर देन पाई बाय फोर लेस देन पाई, तो वो जिस हिस्से को मैं पोर्शन को शेड कर रहा हूँ वो आपका रिक्वायर्ड शेडेड एरिया होगा ये। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज फ्रॉम लॉगरिथम एट 2 raised to power 3x-1 इज इक्वल फाइव, 3 की पावर -1। गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म, आपने इसको सॉल्व करके तो इस फॉर्म में आंसर देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वी विल टेक लॉगरिथम ईच साइड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं। तो सो हमारा क्वेश्चन है 2 raised to power 3x-1 इज इक्वल टू 5 3 पावर -x, टेकिंग लॉगरिथम ईच साइड ln ln 2 raised to power 3x-1 इज इक्वल टू ln 5 3 -x। तो अब लॉग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, यहाँ पे ये देखें 3x -2 पावर में है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा लॉग के, तो इसको लिखेंगे 3x-, यहाँ पे बी केयरफुल कि आपने ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखना, अगर ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। 3x-1 log 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट भी हम ये देखें लॉग के आगे दो टर्म्स में वो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इनको ऐड करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी जो है तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की। तो लॉग 5 प्लस लॉग 3 पावर -x। अब फिर हम इसको करते हैं ये, यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी 3x-1 log 2 इज इक्वल लॉग 5, और ये -1 फिर स्टार्ट में आ जाएगा, ये -1 जो है लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -x log 3। अब हमें x फाइंड करना है, सॉल्व मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x वाली टर्म को कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लॉग को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x वाली टर्म्स विजिबल हो जाए। 3x log 2 -log 2 इज इक्वल टू log x - x log 3। तो ये सॉरी यहाँ पे लॉग 5 है, इसको दोबारा करते हैं इस स्टेप को। यहाँ पे ये आ जाएगा 3x-1 log 2 इज इक्वल लॉग 5 - x log 3। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3x log 2 - log 2 इज इक्वल लॉग 5 - x log 3। एक्स वाली टर्म्स जो है हमारे पास ये हैं जिनमें एक्स आता है, इनको हम एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो एक्स कॉमन ले सकें। तो 3x log 2 + x log 3 इज इक्वल टू लॉग 5 प्लस लॉग 2। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से एक्स कॉमन ले लेंगे, 3 log 2 + log 3 इज इक्वल टू log 5 + log 2। तो अगेन यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी फिर लग जाती है, इसको सिंप्लीफाई करना तो ये लॉग 2 या 3 जो है ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्योंकि हमने वो फॉर्म बनानी है जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, लॉग ए ओवर लॉग बी फॉर्म में देना है आपने आंसर, तो लॉग इनको हम प्रॉपर्टीज लगा के सिंपल करेंगे, log 2 की पावर 3 + log 3 राइट पे आ जाएगा, ये दो लॉग आप ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा log 8 + log 2
ये log 10 आ जाएगा, तो log 8 प्लस log 3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log प्रॉपर्टी log 8 इंटू 3 log 10, तो x ये आ जाएगा log 24 इज इक्वल log 10, तो x फ्रॉम हेयर इज log 10 ओवर log 24, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन दिस। सबसे पहले हमने 10 x प्लस 45 इक्वल टू कोट एक्स है, इंटरवल इज 0 to 180। सबसे पहले हम लॉ 10 का फार्मूला, 10 a प्लस b का फार्मूला यूज करके ये इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक इक्वेशन बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपेंड करेंगे तो वो बन जाएगी 10 x प्लस 10 45 ओवर 1 माइनस 10 x, 10 45 इज इक्वल टू 2 cot x, तो उसको हम 2 ओवर 10 x लिख सकते हैं, क्योंकि cot x जो होता है वो 1 ओवर 10 x होता है। तो इसके बाद हम 10 45 की वैल्यू जो होती है, ये देखें 10 45 आ रहा है, ऊपर भी न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर में 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो सो ये और सिंपल हो जाएगा 10 x प्लस 1 ओवर 1 माइनस 10 x इज इक्वल टू 2 ओवर 10 x। अब देख रहे हैं आप, प्योर इक्वेशन 10 x में आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 x 10 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है वो 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जो है 1 माइनस 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 माइनस 10 x, तो दिस बिकम्स 10 स्क्वायर x प्लस 10 x इज इक्वल टू -2 10 x। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें इसको, 3 10 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10 x को आप थोड़ी देर के लिए 10 x को y कह लें, तो ये बन जाएगा y² + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे अपना आप कैलकुलेटर यूज कर लें, तो वी विल यूज कैलकुलेटर से हमारे पास वाई की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा वाई इज इक्वल 0.5616, दूसरी वाई की वैल्यू जो है वो आएगी -3.5616। अब इन दोनों वैल्यूज, वाई की वैल्यूज को फिर से हम 10 x पुट कर लेते हैं, 10 x जो है वो हमारे पास 0.5616 है है, और दूसरा 10 x जो है वो बन जाएगा -3.5616। तो अब इन दोनों से हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, यहाँ से बेसिक एंगल आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5616, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री में ये आंसर आएगा 29.32। दिस इज़ अ बेसिक एंगल, अब हमने देखना है कि ये और कौन सा एंगल बनता है, तो ASTC से हम वो जो स्केच होता है वहाँ से हम देखें, ए आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। हमारा ये टैन क्लियरली टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, ये 10 x पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, तो ये पॉजिटिव 10 इसमें होता है और इसमें होता है, तो इसको हमने नहीं लेना क्योंकि वो ऊपर देख रहे हैं हमारा इंटरवल जो है वो
जीरो से 180 तक की है। तो सो ये वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया है। तो दूसरा आंसर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से भी लेफ्ट राइट साइड से एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3.5616। ये नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त इसको इग्नोर कर देना, तो यहाँ से बेसिक एंगल आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 74.317 डिग्री। अब हमने यूज़ करना वो नेगेटिव साइन को जो इग्नोर किया, तो अब हम उसको देखते हैं कि क्योंकि वो टेन एक्स की वैल्यू बता रहा है कि टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। राइट साइड पे चलें, इसके लिए दोबारा बना लेते हैं ASTC। अब आप देख रहे हैं कि टेन की वैल्यू जो है हमारे पास ऊपर देखें, टेन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। टेन की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में आती है। अब इस क्वाड्रेंट में वो 360 माइनस बेसिक एंगल करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा हमारी लिमिट ऑफ 0 टू, हमारा वो इंटरवल दिया हुआ है जिसमें फाइंड करने एंगल 0 टू 180 डिग्री। तो इसमें सी में नहीं लेंगे तो एस में लेंगे, इसमें होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। तो 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल है 74.317 डिग्री। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक्स इज इक्वल टू 105.7 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सो एक हमारा आंसर जो है ये आ गया है, और दूसरा आंसर जो है ये 29.32 है, इसको भी आपने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देना। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, दूसरा हमारा आंसर आएगा, ये दो आंसर हैं आपके, ये भी आंसर है और दोनों ही हमारे, और ये भी आंसर है। तो उसको 29 को लिख लेते हैं 29.3 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लस प्लेस। ये दो आंसर हैं हमारे।